हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सुबह 5 बजे बहुत सारे न्यूज़पेपर है जो कि आपको ई न्यूज़पेपर के तौर पर दोस्तों मिलते हैं वेबसाइट पर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता। इन सभी में से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं निकाल के आप लोगों के लिए लेके आता हूं ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप प्रीलिम्स के अलावा मेंस भी जो है लिख सके। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी भी चीज़ से रेलिवेंट है जो कि मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24th of September है आज, और आज के हम लोग करंट अफेयर है जो कि कवर करने वाले हैं। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट ये है कि कल का सेशन बहुत लोगों ने नहीं देखा, कल सुबह 8 बजे क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन। तो मैंने कल 12 बजे जो है वो आपकी क्लास है जो कि कंप्लीट करी थी, ठीक है गाइज। तो मैं 11 बजे में फ्री हो गया था, तो मैंने 12 बजे आपकी क्लास है जो कि कंडक्ट करी थी। तो आप 12 बजे कल जो है 12 बजे वाला वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें पूरा कंप्लीट है जो कि कराया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडिया में अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन जो है वो रेगुलर देखना चाहिए, आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहले प्रीवियस डे, आज के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट, और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आपको अन अकेडमी के बारे में, अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको BHU 10 या फिर बुनेस्टन आप यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा गाइज। SSC के अंदर आज लास्ट डे है जहां पे आपको ऑफ मिल रहा है 15% का एक्स्ट्रा ऑफ, 15% की प्राइसेस डाउन है। उसके अलावा आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप BHU या बुनेस्टन काम में लेते हैं। तो SSC वालों के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, बाद में नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बैंक, UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, IIT, कोई से भी एग्जाम में आप रेफरल कोड यूज में ले सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF, ये सब आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे गोल अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका गोल है, IIT है, UPSC है, CDS है, SSC है, जो भी गोल है, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पे जाइए, और यहाँ पे BHU 10 है जो कि आपको लगाना है। EMI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। SSC के अंदर आपको स्पेशल फायदा मिलेगा, 15% प्राइसेस कम है, प्लस उसके बाद में 10% ऑफ आपको मिल जाएगा अगर रेफरल कोड काम में आप लेते हैं तो, ठीक है गाइज। अभी रिसेंटली सारे के सारे नए बैचेस लॉन्च हुए हैं, मैं भी यहाँ पे कंप्लीट GK है जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ। डेली सुबह 10 बजे और शाम में 6 बजे आप लोगों की क्लास है। आज शाम में 6 बजे नहीं है, आज शाम में 4 बजे है, 4 बजे वाली ज्वाइन कर लेना, और साथ में SSC वाली 10 बजे वाली ज्वाइन कर लेना, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है, तो आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा। एक बच्चे के एजुकेशन में हेल्प करिए ताकि एक बच्चा अपने घर से, उस एरिया से जो है झोपड़पट्टी से भी अपने बाहर परिवार को लेके आ सके। आपको पूरी डिटेल है जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी। चलिए गाइस आगे बात करते हैं। दिव्या पांडे जी को लेकर इनके द्वारा भेजा गया है, सक्सेस आपसे 6 चीज़ें मांगती हैं। देख लेना, ये बिल्कुल सही बात बोली गई है। क्या इनमें से किस चीज़ की कमी है आपके पास में, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। क्या आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दोस्त बुला रहे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको सेक्रीफाइस थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, है ना। उसके अलावा क्या आप संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है मन नहीं कर रहा होता है पढ़ने का, फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है। सुबह उठने का मन नहीं कर रहा होता लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। तो ये संघर्ष आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जुनून आप में कितना है, सब्र आप रखे हुए कि नहीं रखे हुए, और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने ऊपर भरोसा कितना है। तो इन चीज़ों में से जो भी आपके पास नहीं है उसको इंप्रूव करिए और अपना अंदर डालने की कोशिश करें, आपको देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा बेहतर इंप्रूवमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं आज के दैनिक की तरफ। आज के दैनिक की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मोदी जी ने मुलाकात करी अडोबे, कॉलकॉम और भी कई सारे CEO के साथ में भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर, ओके बात करेंगे इसके बारे में, इधर के बारे में। यहाँ पे एक दोस्तों एक क्रिमिनल न्यूज है, यहाँ पर भी एक क्रिमिनल न्यूज है। यहाँ पे दोस्तों पुलिस कमिश्नर जो अभी दिल्ली के बने राकेश अस्थाना साहब, उन्होंने एक और नया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल है जो कि बनाने के लिए बोला है ताकि दिल्ली के जो दंगे हुए थे ना, रायट्स हुए थे, उसकी जांच कर सके। आपको मालूम है दिल्ली पुलिस की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है कोर्ट के अंदर इस दिल्ली रायट के अंदर, क्योंकि जीरो, ये वन साइडेड फैस, उन्होंने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी और कोई प्रूफ है जो कि उनको नहीं इकट्ठा कर पाए वो किसी के खिलाफ भी, और बहुत ज्यादा बेइज्जती, इनफैक्ट इनकी सैलरी काटने तक की नौबत है जो कि आ गई थी, ओके। इसके अलावा बात करें यहाँ पे स्नूपिंग चार्जेस, आपको मालूम है पेगासस इशू चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम एक खुद है जो कि कमेटी बनाएंगे इस इशू को और आगे लेके जाने को लेकर। इविक्शन दोस्तों जो एनक्रोचमेंट कई एरिया में कर रखा है, वहां पे पुलिस फोर्स गई उनको लोगों को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे काफी जो है वो वायलेंस है जो कि क्रिएट हो गया, ओके। कांग्रेस को लेकर है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया है
कि हम लोग बैकवर्ड क्लास की सेंसस जो है वो नहीं कर सकते, कास्ट सेंसस हम लोग नहीं कर सकते। आपको मालूम है एसटी एससी का तो चलो ठीक है डाटा आ जाता है, लेकिन ओबीसी का डाटा नहीं आता है। और देश की आजादी के बाद से 51 के बाद से जो है वो कभी भी सेंसस नहीं किया गया है। और अभी कई सारे जो रीजनल पार्टीज है ना वो क्या कर रही थी, इलेक्शन में बेनिफिट उठाने के लिए जो है कास्ट सेंसस करवाने की बात कर रही थी। अगर मेरे से भी पूछा जाए तो मैं भी आपको यही बोलूंगा कि कास्ट सेंसस जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि कास्ट की पॉपुलेशन पता लगेगी और कास्टिज्म और रिलीजन ये चीजें जो है लोगों में डाली जाएगी, वोट बैंक क्रिएट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेंटर ने इसको कास्ट सेंसस करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज्यादा नुकसान होगा, रीजनल पार्टीज से इसको इलेक्शन में फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ने नो शो फॉर सेकंड डोज। ओके, तो कई सारे लोगों ने सेकंड डोज लगवाया नहीं उड़ीसा के अंदर, ये यहाँ पे बताया गया। तो ये पूरा का पूरा फ्रंट पेज है हमारे लिए। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इस वाले मुद्दे के बारे में बात करेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी दोस्तों पहली विजिट के ऊपर 2 साल में यूएस की तरफ गए और 500 जो फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनी है उसमें से जो 5 कंपनी के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात करी। इसके अलावा बायलेटरल मीटिंग करी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ में और जापान के जो पीएम है सुगा साहब उनके साथ में। ठीक है गाइस, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो स्कॉट मॉरिसन है उनके साथ में भी जो है मीटिंग इनकी शेड्यूल्ड है। अब यहाँ पे जो बात करी गई है दोस्तों सीईओ 5 कंपनी के जो अभी मोदी जी ने मुलाकात करी है, ओके, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे कि बात करूं दोस्तों सेमीकंडक्टर एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर, आपको मालूम है सेमीकंडक्टर है जो कि बनाता है क्वालकॉम। क्वालकॉम दुनिया की सबसे बड़ी दोस्तों सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है और सेमीकंडक्टर्स की अभी काफी प्रॉब्लम भी चल रही है ना, तो हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। इसके अलावा बात करें रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है दोस्तों फर्स्ट सोलर, सॉफ्टवेयर कंपनी है अडोबे आपको मालूम है, एनर्जी सिस्टम एंड आर्म्स मैन्युफैक्चरर है जनरल एटॉमिक्स, और एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैकस्टोन ग्रुप जिसने कई सारे स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट है जो कि करा हुआ है। इन सारे के सारे सीईओ के साथ में मुलाकात है जो कि करी गई है। ओके, और मेन जो दोस्तों इवेंट है वॉशिंगटन डीसी की जो ट्रिप के ऊपर वो क्या है, बायलेटरल टॉक विद द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ताकि इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात कर सके और क्वाड समिट के बारे में बात कर सके। ठीक है गाइस, इसके अलावा अफगानिस्तान इशू हो गया, टेररिज्म इशू हो गया, ट्रेड हो गया, क्लाइमेट हो गया, है ना, इन सब के ऊपर भी बातचीत करी जाएगी। तो ये सारे के सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होगा। जैसे जैसे डिस्कशन होगा वैसे वैसे हम लोग कवर करते जाएंगे ताकि आप एग्जाम में आपके कुछ भी नहीं छूटेगा, डोंट वरी। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वालकॉम है, इसका सैन डियागो के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 85 के अंदर इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ जेकब के द्वारा, एंड्रयू और जेकब दो लोग इसके फाउंडर थे। अभी इसके एमॉन करके जो कि सीईओ है, चेयरपर्सन यहाँ पे मार्क डी मैकलॉगिन करके है जो कि अभी इसके चेयरपर्सन है। इसके अलावा बात करें तो 40,000 लोग हैं जो कि इसके अंदर काम करते हैं। अडोबे के बारे में बात करें तो अडोबे के दोस्तों सीईओ का क्वेश्चन कई बार आपके रेलवे के एग्जाम में आता है, तो शांतनु नारायण है जो कि अभी चेयरपर्सन और सीईओ है जो कि अडोबे के हैं। ओके, ये कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर है और 1982 के अंदर इस कंपनी की शुरुआत हुई जॉन और चार्ल्स के द्वारा। ठीक है, काफी बड़ी कंपनी है ये भी, 22,000 लोग इसके अंदर भी काम करते हैं। अगर देखो अब ये ऐसा क्यों जो है हुआ कि इंडिया में इससे जाते ही मोदी जी ने वहां के सीईओ से बातचीत करी है, उनको इंडिया में और इन्वेस्टमेंट के लिए बोला, ऐसा क्यों अमेरिका में, ऐसा क्या बात है? देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा और एक दो दिन के लेक्चर के पीछे लेके चलूं तो मैंने आपको एफडीआई के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है। जब बाहर से जो देश में पैसा आता है तो टेक्नोलॉजी, पैसा, टैलेंट और भी बहुत चीजें जो कि किसी भी कंपनी के अंदर आती है। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि 2020 के अंदर सिंगापुर देश का हमारा टॉप इन्वेस्टर था एफडीआई के अंदर, मालूम है ना, टॉप इन्वेस्टर था। उसके बाद में आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे यूएसए और मॉरिशस जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर है। सऊदी अरेबिया ने भी बहुत खतरनाक ग्रोथ करी थी ओके एफडीआई के अंदर, और आप देख सकते हैं $2.8 बिलियन पे पहुंच गया 90 मिलियन से, यानी कि 3 गुना ज्यादा इसने ग्रोथ है जो कि अचीव करी। ओके, इक्विटी फ्लो जो है दोस्तों वो यूएसए, ओके, यूएस मोर देन डबल। अगर 2019 से बात करें तो इक्विटी यानी कि जो शेयर के अंदर जो यूएस के द्वारा पैसा लगाया जाता है भारत के कंपनी के अंदर वो डबल है जो कि हो गया था। तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी काफी बेटर चल रहा है, तो उसको और बढ़ावा देने के लिए वहां पे मुलाकात है जो कि करी गई है। ओके गाइस, यहां पे गुजरात की बात करें तो टॉप डेस्टिनेशन रहा 2020-21 में 37% एफडीआई आया, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे जो है कर्नाटक आपको देखने को मिलता है। टॉप सेक्टर थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, सर्विस सेक्टर, ये सारे थे। ठीक है, अगर आप पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप एफडीआई का इन्वेस्टमेंट का अगर आप फ्लो देखोगे तो 14-15 में देखिए 40 के आसपास था और बढ़ते बढ़ते अभी $75 बिलियन को भी क्रॉस है जो कि कर चुका है लास्ट ईयर। ठीक है गाइज, नियर बाय $80 बिलियन तक है जो कि पहुंच गया है।
तो ये पिछले 3 सालों के अंदर खैर काफी स्टैंडर्ड रहा, लेकिन हाँ अभी 19-20 के अंदर और 20-21 में पूरा खैर लॉकडाउन में निकल गया, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा बहुत ग्रोथ ही 10-1% के आसपास, तो आपको $80 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगा। अगर पिछले 20 सालों के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए यूएसए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आप देखोगे तो 5वें नंबर के ऊपर है दोस्तों यूएसए, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूएसए काफी एक्टिव है और हैवी इन्वेस्टमेंट है जो कि इंडिया के अंदर कर रहा है। ओके गाइज, इनफैक्ट आपने देखा होगा फेसबुक तक ने भी जो है वो अनअकैडमी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है जो कि किया है। तो मॉरिशस नंबर 1 पे, सिंगापुर, जापान, नीदरलैंड और उसके बाद में यूएसए। ओके गाइज, अगर आप इंडिया और यूएस के ट्रेड डेफिसिट की भी बात करोगे ना तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो अमेरिका से खरीदते 40 रुपए का ही है। ओके, यानी कि पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट है जो कि हमको देखने को मिलता है, तो हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात समझने की जरूरत है, देखो एफडीआई हर एक इंडस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर अभी भी है जहां पे एफडीआई दोस्तों अलाउ नहीं है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कहां पर है। ये तो बहुत ही जनरल बात है, सबको मालूम है सब जगह, लेकिन कहां पे नहीं है ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में सवाल बन जाता है। ठीक है गाइस, जैसे कि एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज के अंदर अभी एफडीआई अलाउ नहीं है, हालांकि हॉर्टिकल्चर, फिशरीज हो गया है ना, आपके बाकी हस्बेंड्री हो गया, वहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज में भी अलाउ नहीं है। एटॉमिक जनरेशन में नहीं है, निधि कंपनी जो होती है दोस्तों है ना उनमें नहीं है, लॉटरीज में नहीं है, चिट फंड के अंदर नहीं है। ये तो बहुत ही घपलेबाजी वाला चीज हो जाती है कई बार, मतलब तो ऑलरेडी बहुत सारे चिट फंड वाले भाग जाते हैं है ना, लक्ष्मी चिट फंड हेरा फेरी पिक्चर वो वैसे ही ड्राइव हुआ है एक्चुअली के अंदर। ट्रेडिंग दोस्तों टीडीआर में गैम्बलिंग हो गई, सिगरेट हो गई, सिगार हो गया और रियल एस्टेट के अंदर। ठीक है, अगर आप टाउनशिप करना चाहते हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे कुछ सेक्टर है जहां पे अभी भी एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है। एलआईसी जो इंश्योरेंस उसमें 49% था उसको भी बढ़ा के अभी 74% है जो कि कर दिया गया था। ठीक है गाइज, चले यहाँ पे आज पोलक दत्ता, शान पोलक का आज बर्थडे है। शान पोलक तो सुना था, पोलक दत्ता पहली बार नाम सुना है, चलिए बहुत अच्छा नाम है यार, तो हैप्पी बर्थडे जिन जिन लोगों का आज बर्थडे है पूरे देश में। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 7। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। तो दोस्तों 11 से लेकर 20 सितंबर के बीच में काफी वैक्सीनेशन हुआ और हमारा जो टारगेट है, अगर देखो 2021 के एंड तक हम लोग सबको वैक्सीनेट तब कर पाएंगे तब दिल्ली का 1 करोड़ डोज है जो कि लगे, समझ गए मेरी बात। तो अगर पिछले ठीक है अगर यहाँ पे देखोगे तो एवरेजली 10-10 दिन के बारे में बताया गया है। तो टारगेट पेस के बारे में बात करें तो अगर सितंबर से लेकर दिसंबर तक अगर हम लोग इस 1 करोड़ डोज के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हम इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन अभी हम लोग फार बहुत ही पीछे हैं, 10 हमें लगाना जरूरी है, 10 यानी कि 1 करोड़ डोज 10 मिलियन के समवेयर, लेकिन अभी हम लोग 1.8, 1.9, 2.1 उस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ठीक है, मतलब अगर थोड़ा और पेस बढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा ये अभी अचीव और करना भी जरूरी है। आप देख सकते हैं डोजेस का कुछ इस तरीके से रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से अभी ये शार्प है जो कि दोस्तों अप है जो कि सितंबर में देखने को मिला। कौन कौन से राज्य में दोस्तों 70% से ज्यादा लोगों को सिंगल डोज लग चुका है वो ये सारे राज्य है, ग्रीन वाले जो राज्य आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे सिंगल डोज है जो कि सभी को लग चुका है 70% से ज्यादा पॉपुलेशन को, समझ गए। ये जो येलो में है ये 50 से 70% है और बिलो 50% वाले दोस्तों ये 2-4 राज्य हैं जहां पे सिंगल डोज भी अभी नहीं लगा है। 25% से ज्यादा दोनों पॉपुलेशन में 25% से ज्यादा दोनों डोज लगने वाले राज्य की बात करें तो आप देख सकते हैं ये सारे राज्य में 25% से भी ज्यादा दोनों पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुके हैं। ओके, तो आप अपना राज्य यहाँ पे पता कर सकते हैं कौन सा कहां पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अर्जुन टैंक के बारे में बात करने वाले हैं। 7,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों जो कि अर्जुन टैंक का दिया गया है, समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर ने थर्सडे को दोस्तों क्या किया, ऑर्डर पास किया हैवी व्हीकल फैक्ट्री जो कि अवधि के अंदर है, जहां पे 118 इंडिजीनियस अर्जुन MK-1A बैटल टैंक है जो कि बनाने के लिए दिया गया आर्मी के लिए। 7,500 करोड़ की कॉस्ट है जो कि इसकी आने वाली है। ओके गाइज, MK-1 जो है ना ये नया वेरियंट है, पहले चलता था MBD, ये बहुत ही पुराना है दोस्तों, 1972 के अंदर इनकी अर्जुन टैंक की स्टार्टिंग करी गई थी। ये लेटेस्ट वर्जन है MK-1A और MK-2A, ये दो लेटेस्ट वर्जन है जिसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है। ठीक है गाइस, इसके अंदर पावर, कैपेसिटी, मोबिलिटी, ओके 72 नए फीचर है जो कि इस वाले के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए हैं। इंडिजीनियस कॉन्टेंट भी इसके अंदर बढ़ाया गया है। ओके, काफी अच्छी तरीके से रेत के अंदर और सब जगह पर जो है ये काम कर सकता है। ओके गाइज, तो इसको कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट DRDO की एक लेबोरेटरी है जिसको बोलते हैं CVRDE,
इसके द्वारा डीआरडीओ के अंडर में आती है, उसी के द्वारा इसको डेवलप है जो कि किया गया था, डिजाइन और डेवलप जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है गाइस, चलिए। और 2005 से 2010 के बीच में भी कई सारे टैंक है जो कि इंट्रोड्यूस करे गए थे, है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके कुछ फीचर्स, ये देख सकते हो आप, ये अर्जुन टैंक है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, करंटली इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ओके, पावर पैक जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। अभी जो ये MK1 वाले है ना, इसके अंदर अच्छी बात पता है क्या है, 59% जो ये बन रहा है ना, इसके अंदर इंपोर्टेड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये इसमें 59% है। इससे पहले क्या होता था, 63% है जो कि हुआ करता था, यानी कि हमने इंडिजिनियस कंटेंट जो है ना वो थोड़ा बढ़ा दिया है अर्जुन टैंक के अंदर वक्त के साथ में। ओके, तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो इंडिया के अंदर ही आ सके। 58 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड क्रॉस कंट्री के अंदर जो उबड़ खाबड़ रोड होती है 40 किलोमीटर, वेट आप देख सकते हैं। ओके, 120 mm की गन है इसके ऊपर, 6 से 8 फायर पर मिनट के हिसाब से दोस्तों ये कर सकती है, काफी जबरदस्त टैंक है मतलब। ठीक है, 1972 के अंदर दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा स्टार्ट किए गए थे इसके ऊपर काम करना। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक सुपीरियर कैपेबिलिटी का, मोबिलिटी का, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन वाला टैंक है जो कि देश के अंदर है, जो कि बनाया जाए। 1972 के अंदर इसके ऊपर काम है जो कि स्टार्ट हो गया था, समझ गए मेरी बात। फीचर की बात करें तो मैंने आपको बताई थी 120 mm की मेन, ओके, राइफल गन है इसके ऊपर और आर्मोर, ओके, एम्युनेशन है जो कि इसके ऊपर लगा रखे हैं। जितने भी टैंक है एक बढ़िया शूटिंग रेंज के ऊपर जो है उन सबको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी, एक कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है गाइज, ऑल लाइटनिंग कंडीशन में काम कर सकता है। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट है जो कि इसके यहाँ पे बताए गए हैं। पहले हमने अर्जुन MK1 डेवलप किया है, उसके बाद में ओके इम्प्रूव्ड वर्जन है इसके MK I1 और MK2, ये इसके दो इम्प्रूव वर्जन है। पहले वाले में तो क्या काफी ज्यादा हम लोग इम्पोर्ट किया करवाते थे, अभी धीरे धीरे हम लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट को हम लोग थोड़ा सा कम कर रहे हैं। ठीक है गाइज, ये देखिए MK I1 जो वर्जन है इसमें 14 मेजर अपग्रेडेशन है जो कि करी गई है प्रीवियस वर्जन से। इसकी जो मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी है वो भी इम्प्रोवाइज करी गई है, आप देख सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन में 54% इंडिजीनियस कंटेंट है, पहले के टाइम पे 41% ही है जो कि हुआ करता था, तो ये भी एक अच्छी बात है। 13-14% हमने इम्प्रूवमेंट है जो कि इसके अंदर किया है। ठीक है गाइज, डीआरडीओ की लेबोरेटरी है दोस्तों, वहां पर इसको कंचन का निर्माण है जो कि किया जा रहा है। कंचन जो है एक मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 10। यहां पे बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्चिंग करी है एक नए सिस्टम की, और साथ में पीएम की हेल्थ मिशन के बारे में भी बात करेंगे। दोनों यहां पे इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसके अलावा तो यहां पे और इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं है। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना देता है किसी आदमी को बरी करने के लिए, है ना, रिहा करने के लिए कोर्ट से, लेकिन कोर्ट से जब वो फिजिकल कॉपी फोटो स्टेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाती है, वो फिजिकली ट्रांसफर होती है, जिसके अंदर 2-4 दिन निकल जाते हैं और वो बेचारा आदमी जिसके फैसला फेवर में आ चुका है 2-4 दिन और उसको बेचारे को जेल में रहना पड़ता है। तो रमन्ना साहब आपको मालूम है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त अपने मिशन के ऊपर लगे हुए चीजों को इंप्रोवाइज करने के ऊपर। तो एक बहुत अच्छा फिलिप है जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर उन्होंने फैसला सुनाया है। उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक नया सिस्टम जिससे जो भी क्रूशियल डिसीजंस होंगे बेल के, स्टे के, अरेस्ट के, ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो कम्युनिकेट करे जाएंगे सीधे के सीधे जेल अथॉरिटीज के पास में और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को। पहले ऐसा होता ही नहीं था, कितनी बड़ी बात है, हम लोग देश 75 साल देश की आजादी को हो चुके हैं और अभी भी कोर्ट से जो है फिजिकल फाइलिंग है जो कि हो रही है। मतलब मेल जा, ऐसा नहीं कि एक मेल जा रहा है उसके बाद में या कोई एक फैक्स जा रहा है वहां से उसको रिहा हो जाए कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक स्पेशल बेंच जो कि रमन्ना साहब ने लीड किया उसके अंदर उसका फास्टर जो है सिस्टम लॉन्च किया है। फास्टर, फास्टर का फुल फॉर्म है यहाँ पे, फास्टर क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो आप भेजोगे ना उसका फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन है जो कि किया जाएगा। ठीक है गाइस, और जो भी अंडर ट्रायल्स है उनको बहुत दिनों तक बाहर के अंदर जेल में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हार्ड कॉपी जो है वो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरी जो अरेस्ट है, जो कस्टडी लोगों की हो रही है, बिन बात पकड़ा जा रहा है, प्रोटेक्शन की हालत खराब पड़ी है, ओके, उन सबको थोड़ी सी रियायत है जो कि यहाँ पे मिलेगी। एक्चुअली में अभी कुछ टाइम पहले यही हुआ था, द हिंदू की एक रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट के बाद में दोस्तों एक सुमोटो कॉग्निजेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया, यानी कि उसने रिपोर्ट के आधार पर, द हिंदू की रिपोर्ट के आधार पर क्या किया, एक फैसला सुनाया था जिसमें आगरा जेल के अंदर जो है 13 प्रिजनर जो बेचारे है ना 2 डिकेड से जेल में पड़े जबकि उनके ऊपर केस जो था वो ज्वेलाइन का था, समझ रहे हो, यानी कि पूरी तरीके से मतलब कोर्ट कचहरी और जो हमारे लॉज है उनका हनन हो रहा था।
समझ गए, 4 दिन उनको पहले बोल दिया गया छोड़ने के लिए, फिर भी नहीं छोड़ पाया उनको कोई प्रिजन वाला, क्योंकि उनके पास में लेटर नहीं पहुंचे थे। ओके, तो ये देहरादून ने कवर किया था, उसी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया। चलिए आगे बात करते हैं पीएम हेल्थ मिशन को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों, ओके, पीएम आरोग्य योजना, पीएम आयुष्मान योजना, वो सब तो आपको मालूम है। उसी के अंडर में एक और लॉन्च योजना लॉन्च करी गई थी, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन, समझ गया। इसमें क्या किया गया था, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। हर एक को एक आईडी है जो कि मिलेगी, जैसे कि आपको आधार कार्ड की एक आईडी मिलती है ना, वैसे आपको एक क्या मिलेगी, एक हेल्थ आईडी है जो कि आपको मिलेगी। इस आईडी के अंदर आपका पूरा डाटा है जो कि आपका हेल्थ का सिक्योर होगा, समझ गए मेरी बात। इसी को नाम दिया गया है प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन। 27 सितंबर को दोस्तों इसको रोल आउट है जो कि किया जा रहा है, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा ट्विटर के ऊपर दोस्तों ये यहाँ पे बात है जो कि बोली गई। आप देख सकते हैं एम क्या है दोस्तों, एम ये है कि डिजिटल हेल्थ सिस्टम है जो कि बनाया जाए, डाटा को मैनेज किया जा सके, क्वालिटी जो है हेल्थ की डाटा कलेक्शन की स्टोरेज की उसको इंप्रूव किया जाए, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए हेल्थ वर्कर के हेल्थ केयर डाटा का, फास्ट ट्रैक क्रिएशन हो एक्यूरेट हेल्थ रजिस्टर्स को पूरे देश के अंदर लोगों का, इसके अंदर हेल्थ आईडी होगा, पर्सनल हेल्थ के रिकॉर्ड होंगे, डिजी डॉक्टर होगा, है ना, डॉक्टर भी अपना डाटा डाल के आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन होगा, टेलीमेडिसिन, ई फार्मी, फार्मेसी, ये सारी सुविधाएं होगी, वॉलंटरली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, प्राइवेसी होगी, इंक्लूसिविटी होगी, सीमलेस पोर्टेबिलिटी है जो कि यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इन प्रिंसिपल के ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है गाइस। तो कुल मिला के जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल पहले डॉक्टर के पास गए, आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम था वो आपको मालूम है, डॉक्टर आप 3 साल बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर 3-4 साल बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो क्या होगा, अगर आपका पूरा डाटा एक जगह पे होगा तो पिछले वाले डॉक्टर को देखने में आसानी होगी कि पहले आपकी प्रॉब्लम क्या थी, कौन सी आपको मेडिसिन दी गई, क्या ट्रीटमेंट है जो कि आपको दिया गया, समझ गए। इस चीज को लेकर है जो कि इसका फॉर्मेशन किया गया है, यूनिक हेल्थ आईडी है जो कि ईच सिटीजन को मिलने वाली है, जैसे कि आपको आधार की मिली है, ठीक है गाइस। चलिए डेटाबेस जो है वो डॉक्टर्स का भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, हेल्थ रिकॉर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी अगर आपको खोलेगा तो पहले आपसे परमिशन मांगेगा ये, अगर आप परमिशन देते हो तो ही आपका डाटा है जो कि ओपन हो पाएगा, समझ गए मेरी बात। नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा एसएमएस ऐप के थ्रू, और ठीक है चलिए। तो ये सारी बात है, ये जो पार्ट है दोस्तों ई डिजिटल वाला, ये पार्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी जिसमें हेल्थ को इंप्रूव करने को लेकर बोला गया था। ओके गाइज, एक प्रॉपर अप्रोच है जो कि अपनाने के लिए बोली गई थी, कम्युनिकेबल डिजीजेज है, मेंटल हेल्थ है, इन सबको इंटीग्रेट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों का डेटाबेस तैयार हो और उसके हिसाब से काम हो, ये यहाँ पे बोला गया था, समझ गए मेरी बात। चलिए इसमें फ्री ड्रग्स प्रपोज किए जाएंगे, फ्री डायग्नोसिस हो गया, फ्री इमरजेंसी एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, ओके, थ्री डायमेंशनल इंटीग्रेशन आयुष सिस्टम जो है ना उसका भी यहाँ पे किया जाएगा, समझ गए। चलिए इसके अंदर जरूरी क्या है दोस्तों कि हमारा थोड़ा सा हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ पे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे और बजट उनका बहुत ही ज़्यादा कम है बेचारा, है ना। ऐसा नहीं होता कि क्लास के अंदर एक सबसे शैतान बच्चा होता है जिसके ऊपर टीचर कभी ध्यान ही नहीं देती है, वो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो कोई काम का बच्चा नहीं, ना तो ये रैंक लाएगा, ये ना स्कूल का नाम करेगा, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये जो पीछे बैठने वाला बच्चा जो है ये ही स्कूल के नाम है जो कि करते हैं। क्यूरियस माइंड्स आर ऑलवेज द बैक बेंचर, मेजरली, जरूरी ऐसा नहीं है लेकिन हाँ होता जरूर ऐसा। ओके, तो हेल्थ और एजुकेशन का भी दोस्तों बजट का कुछ वही हाल है, बेचारे कोने में पड़े हुए। 2.5% जीडीपी का 2025 तक का टारगेट है, अभी तो बहुत ही कम है। ओके, और दुनिया के अगर बाकी देशों के देखोगे तो 4%, 4.5%, 5%, 7% हेल्थ के ऊपर है जो कि बजट देखने को मिलता है। टारगेट क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो कि नॉर्मली एक भारतीय जो जीवन जीता है इंडिया में, ओके, वो अभी हम लोग 69.7 है, वैसे भी है ना ये पुराना है, तो इसको हम लोग 70 2025 तक करने वाले हैं और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 28 करने वाले हैं 2019 तक, ठीक है। 2025 तक जो रिड्यूस, जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है वो 23 करना चाहते हैं। 1 लाख बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 5 साल तक में 23 बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो 2025 तक, ठीक है। जो आपके 2 बेड पर 1000 पॉपुलेशन की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, गोल्डन टाइम में जब सबसे ज्यादा इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, तब आपको बेड मिल जाए, उसके ऊपर काम करने को लेकर बोला गया है, ठीक है गाइस। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, 90% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद एचआईवी विल बी नोन देयर एचआईवी स्टेटस, 90% जो लोग हैं उनको एचआईवी का स्टेटस पता लगे, ओके, डायग्नोसिस हो सके, उनको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है जो कि अवेलेबल करवा सके। तो 2020 तक ये टारगेट भी रखा गया था लेकिन ये 2020 तक अचीव नहीं हो पाया है, ठीक है। आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है
वो एक और इंटरेस्टिंग बात है, खैर पेपर में तो नहीं आएगा ये सवाल, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है दोस्तों, एप्पल जो है वो मतलब यार अपने आप में ही अलग ही लेवल पे चलता है। स्टीव जॉब्स ने बोला था कि मैं एक क्लोज सिस्टम बनाऊंगा एप्पल को, ओके, यानी कि सिर्फ एप्पल की ही चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होगी और बाकी के दूसरे डिवाइस से कनेक्ट नहीं होगी। उनको इसके बाद में निकाल दिया गया था कंपनी से। उनकी सोच जो है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा पागल हो गया क्या, दुनिया तो बोल रही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट करो। एक तरफ जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है विंडो या आपकी जो बाकी जो कंपनीज थी वो तो क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी हो आपके कंप्यूटर्स की सब चीज़ों की, और एक तरफ स्टीव जॉब्स बोल रहा है कि नहीं मेरा ही फ़ोन होगा जो कि मेरे लैपटॉप से कनेक्ट होगा, सब कुछ चीज़ें मेरी होगी जो कि आपस में कनेक्ट होगी, एक क्लोज इकोसिस्टम है जो कि मैं एप्पल का बनाऊंगा। नहीं समझ में आया, निकाल दिया गया। कुछ टाइम बाद कंपनी को समझ आया कि यार बंदा सही बोल रहा था। कंपनी एप्पल कंपनी एक वक्त पे स्टीव जॉब के जाने के बाद बैंकरप्ट होने की कगार पे आ गई थी, लेकिन उस टाइम पे स्टीव जॉब्स वापस आए, वापस से डिज़ाइन के ऊपर काम किया, वापस से अपनी जो उनकी यूनिक जो सोच थी उसके ऊपर काम किया, एक क्लोज इकोसिस्टम बनाया, और आज आप देख सकते हैं एप्पल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एप्पल का चार्जर, एप्पल का लैपटॉप, एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल की घड़ी, ये सब क्लोज्ड इकोसिस्टम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आने वाले दिन में ऐसा नहीं हो जाए कि एप्पल की गाड़ी पे आ जाए, बोला गाड़ी जो है वो ही कनेक्ट होगी आपके लैपटॉप से आपकी गाड़ी, तो ओके, तो क्लोज इकोसिस्टम है जो कि बना दिया ताकि लोग ज़्यादा परचेसिंग करें एप्पल के प्रोडक्ट की। हो गई वाली बात। तो क्या है, उसका चार्जर भी जो है ना वो दूसरे चार्जर जैसा नहीं आता। आपको मालूम है एंड्रॉयड फ़ोन के बेचारा ओप्पो वीवो सैमसंग किसी में लगा लो बेचारा लग जाता, लेकिन एप्पल का चार्जर एप्पल के फ़ोन में लगता है, अलग से खरीदना पड़ता है, फ्री भी नहीं देता है ना, बहुत ही ज़्यादा यार हद होती है, मतलब चार्जर तक फ्री नहीं आ रहा आजकल, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों बोल दिया है कि भैया देखो हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब, हमारे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिंगल चार्जर कर रहे हैं सारे मोबाइल के लिए, समझिए। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि जो भी आपको इनोवेशन करना है, जो भी करना है, आप एक सिंगल जो है एक चार्जर का बनाएंगे हम लोग, उसी के अंदर आपको अपना चार्जर जो कि फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईयू ने यहाँ पे साफ तौर पर बोल दिया है, यहाँ पे दोस्तों एप्पल को इससे नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसका चार्जर भी मेरे ख्याल से 1000-2000 रुपए का है जो कि आता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे 250 मिलियन यूरोज एनुअल सेविंग है जो कि जनता की यहाँ पे होने वाली है अगर ये चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट है जो कि हो गई, तो एनवायरमेंट को भी बेनिफिट होगा, ओके गाइस। और काफी टाइम से इसके ऊपर बात चल रही थी, तो ईयू ने दोस्तों यहाँ पे कॉमन चार्जिंग पोर्ट के लिए बोला है मोबाइल फोन, टैबलेट और हेडफोन के लिए। यूरोपियन कमीशन का प्रपोजल है जो कि प्रेजेंट किया गया थर्सडे को, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा मूव है जिससे आईफोन मेकर एप्पल जो है दोस्तों उनकी प्रॉब्लम है जो कि हो गई है। चलिए देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या हुआ, लेकिन इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है पेज नंबर 14 की बात करें तो भुवनेश्वर के बारे में बात करेंगे गाइज। जैसा कि आप सभी को मालूम है उड़ीसा दोस्तों हॉकी के लिए हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है उड़ीसा ने, तो उड़ीसा ने दोस्तों थर्सडे को वापस से बोला है कि वो होस्ट करेगा ओके मैन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कलिंगा स्टेडियम के अंदर ओके नवंबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है गाइज। 16 नेशन है जो कि इसके अंदर खेलने वाले हैं। सीनियर वर्ल्ड कप भी दोस्तों 2018 में होस्ट किया था आपको मालूम है, वर्ल्ड लीग 2017 में होस्ट करी, चैंपियन ट्रॉफी 2014 में होस्ट करी, और इनफैक्ट आने वाला जो वर्ल्ड कप है 22 या 23 के अंदर वो भी हॉकी का वर्ल्ड कप उड़ीसा ही है जो कि होस्ट करने वाला है, ठीक है गाइस। तो हॉकी के अंदर काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि इनका रहा है। देखिए 2023 का सीनियर वर्ल्ड कप जो होगा भुवनेश्वर में होगा और रुरखेला में होगा, जूनियर वाला भी अभी करवाया जा रहा है, ये भी उड़ीसा के अंदर ही करवाया जा रहा है, ठीक है। तो काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि इनका रहा है। एक्चुअली में जब सहारा ने दोस्तों सहारा देना बंद कर दिया था 2018 के अंदर, और सहारा के पास खुद के पास सहारा किसी का नहीं था ओके, और उस टाइम पे उड़ीसा गवर्नमेंट आई थी दोस्तों स्पॉन्सरशिप करने इंडियन हॉकी टीम की, और जूनियर सीनियर और महिला तीनों टीमों को दोस्तों उन्होंने क्या किया, स्पॉन्सरशिप करी, 150 करोड़ रुपए की डील करी थी टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर 5 साल के लिए ओके। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्टेट ने किसी नेशनल टीम को जो है वो स्पॉन्सर किया ओके। अभी तो यूपी ने कबड्डी को भी करने के लिए बोल दिया है, लेकिन पहली बार उड़ीसा ने किया, टाटा ग्रुप के साथ में हाथ मिलाया और एक उड़ीसा नवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया कलिंगा के अंदर, और भी कई सारे टैलेंट को आगे लाने के लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास एक टफ है ग्राउंड है जो कि बनाया गया, स्टेडियम बनाए जाने के लिए यहाँ पे बोला गया है 20,000 लोगों के साथ में, है ना, बिरसा मुंडा जी के नाम के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा और भी 17 ब्लॉक्स हैं, टर्फ है जो कि बनाए जा रहे हैं, 20 स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, है ना, जहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी आपको मालूम है यहीं पर ही जो है वो करवाया गया था अभी कुछ साल पहले, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करते हुए फ्रंट पेज है, कुछ खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है
ओके यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे लद्दाख के फेस्टिवल की, ओके द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, समझ गए मेरी बात। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे करवाया जा रहा है, लद्दाख में करवाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर है जो कि इसको होस्ट कर रहे हैं। कई सारी मूवीज है जो कि यहाँ पे दिखाई जाएगी, शेरशाह हो गया, थ्री डेड हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी देखिए लद्दाख के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी आते हैं और बहुत ही अच्छे भी होते हैं। जैसे कि बात करें तो दोस्तों आपके सबसे पहले तो ठीक है, और यहाँ पे एक तो हो गया यूरू, एक हो गया लद्दाख फेस्टिवल, एक हो गया हैमिस, ओके हैमिस नेशनल पार्क है, एक सिंधु दर्शन हो गया, एक लॉसर हो गया जो कि एक न्यू ईयर की बिगनिंग है जो कि यहाँ पे मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा डशमैश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे मनाया जाता है, ओके। और भी बहुत सारे होते हैं, मतलब एक आपके क्या बोलते हैं तुर्तुक जो विलेज है उससे पहले जो है वहाँ पर भी होता है एक फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल जो कि होते हैं। और इनफैक्ट आपके जो खरदुंगला पास है उसके आगे जो है एक वैली है, नाम भूल गया मैं उसका, वहाँ पर भी फेस्टिवल है जो कि करवाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूएसए को लेकर। यूएस ने दोस्तों एक बहुत अच्छा फैसला है जो कि रिसेंटली लिया है, और यूएस ने क्या बोल दिया है कि भाई एक क्लाइमेट चेंज को एक काउंटर करने के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। यूएस के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने दोस्तों क्या कर दिया है, लिमिट कर दिया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ HFC, हाइड्रोक्लोरो फ्लोरो जो कार्बन है दोस्तों उसको लिमिट कर दिया है। आपको मालूम है बहुत ज्यादा दोस्तों बड़ी ग्रीन हाउस गैस है, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन में काम में आती है और हमारे ओजोन डिप्लेशन का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक नया दोस्तों यहाँ पे रूल है जो कि लाया गया क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसमें बोल दिया गया कि जो HFC है ना, ओके उसको आप 85% जो है वो कम करोगे आने वाले 15 साल के अंदर, ठीक है गाइस। और पूरी दुनिया से इसको फेज आउट करने को लेकर बोला जा रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया से इसको फेज आउट करने को लेकर बोला जा रहा है। HFC को दोस्तों पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए बोला गया है 2036 तक, समझ गए मेरी बात। अभी भी कुछ जगह पे दोस्तों AC के अंदर आपके रेफ्रिजरेटर में, हालांकि काफी हद तक देखो सबसे पहले तो क्या यूज होता था, CFC होता था, इसको हटा दिया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान करता था। एक्चुअली होता क्या है, इसमें से क्या होता है क्लोरीन के पार्टिकल, ये जो गैस होती है ना आपके AC फ्रिज में काम में आती है, ये आपके एयर से बहुत लाइट होती है तो ये ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्लोरीन के एटम्स बनते हैं एयर के अंदर ट्रोपोस्फेयर में, और ट्रोपोस्फेयर से जैसे ही ऊपर जाती है तो ये एक क्लोरीन का एटम बहुत सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स है ना ओजोन के उनको डिस्ट्रॉय करता है। एक क्लोरीन का एटम हजारों आपके ओजोन लेयर के, ओजोन जो लेयर में जो मॉलिक्यूल्स है उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, CFC को बैन किया, फिर हुआ HCFC, इसको भी हमने बैन किया, अब जो चल रहा है वो HFC चल रहा है, इसको भी फेज आउट करने की बात चल रही है 2036 तक। हालांकि इसकी कैपेसिटी इन दोनों के कंपेयर में तो कम है, लेकिन फिर भी जो है ज्यादा ज्यादा बेटर से बेटर क्वालिटी है जो कि अवेलेबल करवाने चाहिए, ठीक है। तो HFC को भी 2036 तक दोस्तों फेज आउट करने के लिए बोला गया है, ओके। हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन जो है कंसीडर्ड एज अ मेजर ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड मच मोर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस देन द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नए वाले रूल से क्या किया जाएगा, इसके अंदर 2050 तक काफी कम है जो कि इसको, इसका एमिशन है जो कि कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था उसके अंदर भी लिमिट किया गया था कि 2013 तक आपको इतना 10% रिडक्शन 2015 तक करना है, 35% रिडक्शन 2020 तक करना है, 25 तक 67% रिडक्शन करना है, और HFC के इमिशन को अवॉइड करने के 2024-40 तक इसको कंप्लीटली बैन करना है। तो इस तरीके के टारगेट है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सेट करे गए। पहले तो आप देख सकते हैं CFC काम में आता था 1930 में, 70 में HCFC आया, उसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया 86 में, 90 के अंदर क्या हो गया नॉन CFC रेफ्रिजरेंट है जो कि काम में लेने लग गए, समझ गए, नॉन कौन से जो आपके CFC वाले। 1980 के अंदर क्या हो गया कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई और नॉन CFC है जो कि काम में लेने लग गए, ठीक है। CFC जो है डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी धीरे धीरे चलता था, उसके बाद में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, 2005 के अंदर जो HFC रेफ्रिजरेंट है उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए बोला गया, ठीक है। उसके बाद में 2011 में रिप्लेसमेंट किया गया, और अभी जो आपके 5-स्टार AC आते हैं ना उनके अंदर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थोड़ी सी काफी कम है जो कि हो गई है, ऑलमोस्ट काफी कम हो गई है अभी भी, लेकिन क्या होता है कि चीप प्रोटेक्शन बनाने के लिए, सस्ता बनाने के लिए, चीप प्रोटेक्शन बनाने के लिए कई कंट्री के अंदर जो है ये सब अभी भी जो है HFC और ये सब काम में लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा, समझ गए। चलिए ठीक है, शिव प्रकाश में PDF अवेलेबल करवाता हूँ,
पांच बजे वाले भी करवाता हूँ, आठ बजे वाले भी करवाता हूँ। जिस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं करवाता हूँ उसके ऊपर आप लोग हो ही नहीं। किसी और ने मेरे नाम पे टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर 80,000 है, एक में 40,000 है। जो मेरा वाला है जिसमें मैं पीडीएफ डालता हूँ उसके अंदर 59,000 के आसपास होंगे, 58-59,000 उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलती है। समझ गए? पता नहीं बहुत लोग मैसेज करते हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम कौन सा ज्वाइन कर रखा है ग्रुप। और बहुत सारे ग्रुप है जो कि बने हुए हैं जिसके अंदर लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब चलिए जनसत्ता के बारे में बात करें गाइस, तो जनसत्ता के फ्रंट पेज है, इसके ऊपर भी कुछ ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है दोस्तों ई वाहनों में दुपहिया में दिल्ली दोस्तों पहली पसंद है जो कि बन गई है। एक बहुत अच्छी बात बताया क्या है, दिल्ली ने भी दोस्तों क्या किया था कि इलेक्ट्रिक वाहन को के लिए एक स्कीम है जो कि निकलती थी, जिसके अंदर आपको काफी चीजों में बेनिफिट है जो कि मिल रहा था। अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो 17,000 गाड़ियां जो है ना अभी तक दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक चुके हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है वहां पे इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ी को धीरे धीरे हमको देखने को मिल रही है। 23 सितंबर तक 19,000 गाड़ियां जो है यहाँ पे पार हो गई है। हर 9 दिन में 2,000 लोगों ने ई वाहन को अपनी पसंद है जो कि यहाँ पे बताया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ओके, यहाँ पे ई बसों की संख्या भी 30 हो गई है। बिजली से चलने वाली मोटर कैब जो है वो भी 200 से ऊपर हो गई है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है कि ये व्हीकल यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ इस प्रकार के होते हैं। बैटरी यहाँ पे पीछे की तरफ पे आती है, उसके पास में चार्जर होता है, ये फ्यूल का स्टोरेज है, ये लाइट वेटिंग मटेरियल्स है, और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मोटर है इसका, रेडिएटर, इंजन, कुछ इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है जो कि गाड़ी की होती है। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा है। 2025 तक दोस्तों $4.8 बिलियन तक दोस्तों इंडिया के अंदर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैल्यू चेन है जो कि पहुंचने वाली। इलेक्ट्रिक वैल्यू व्हीकल ही आने वाले टाइम में आपका ओला ने प्रूव कर दिया। मतलब 2 दिन में 1100 करोड़ रुपए की सेल है जो कि ओला ने करी अपने स्कूटर से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का बिजनेस बहुत ज्यादा है, बैटरीज का बहुत ज्यादा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन, ओके, ये अपने आप में बहुत ज्यादा है। 2025 तक 1/3 जो ईवी मोटर मार्केट होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। 67% पैसेंजर कार जो होगी उसमें बैटरी मार्केट होगा 2025 तक। ओके, तो काफी अच्छा जो है यहाँ पे नंबर से जो कि आने वाले टाइम के लिए। देखिए पहले तो क्या होता था कि पहले के टाइम पे लेड की बैटरीज काम में लिया जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इंप्रोवाइज किया गया, क्योंकि उससे इतनी ज्यादा एफिशिएंसी नहीं होती थी। बहुत ही धीरे धीरे बैलगाड़ी की स्पीड में गाड़ी चला करती थी। टेक्नोलॉजी में आगे आए, उसके बाद में देखिए निकल कैडियम में आया, निकल मेटल आया, और अब लिथियम आयन बैटरी के ऊपर काम है जो कि चल रहा है, जो कि काफी फास्ट है, इफिशियंट है और काफी सस्टेनेबल भी है। ठीक है, हमारे इंडिया में थोड़ा लिथियम की कमी है, हमारे साउथ अमेरिका से हम लोग मंगवाते हैं, अर्जेंटीना उन देशों के अंदर लिथियम मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी रिसर्च है जो कि इसके ऊपर चल रही है। तो हमने दोस्तों फेम नाम का एक मिशन लॉन्च किया था, फास्टर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसके अलावा हमने एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है जो कि 2020 में लॉन्च किया गया, जिसमें टारगेट रखा गया 5 से 7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल 2020 तक होने चाहिए। तो ये तो खैर पूरा नहीं हो पाया। 2020 जब में कोई टारगेट होता है तो उसको मान लिया करो ऑलमोस्ट नहीं होता वो अचीव। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जरूर हमने पूरा किया है काफी हद तक, ओके, लेकिन मेजरली चीजों में नहीं होता। तो ये नंबर आगे बढ़ जाता है, फिर इलेक्शन के आगे बढ़ जाता है, फिर पता नहीं चल पाता फिर कि कौन सा टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए 4 लाख पैसेंजर बैटरी इलेक्ट्रिक कार दोस्तों 2020 तक अचीव करने के लिए बोला गया था। ठीक है गाइस, चलिए ओके, दुनिया में बात करें दोस्तों तो चाइना, यूरोप, ग्लोबल मार्केट, और हम लोग बहुत ही नीचे हैं अभी, तो हमें इसके ऊपर काफी फास्ट काम करने की जरूरत है। और बहुत बड़ा मार्केट है मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, पूरी दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग शेयर देखोगे ईवी मार्केट का न्यू पैसेंजर व्हीकल सेल्स में, तो चाइना, यूरोप, यूएसए, कोरिया, जापान, इनके अंदर बहुत ज्यादा है जो कि ये चल रही है आज के टाइम पे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बैंगलोर 6 IIT ने QS ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट संबंधी रैंकिंग 2022 में टॉप 500 के अंदर है जो कि जगह बनाई है। एक्चुअली में रैंकिंग आई है QS की, ग्रेजुएशन के बाद में कितने लोगों को नौकरी मिलती है उसके हिसाब से रैंकिंग है जो कि जारी करी गई। टॉप 100 में एज यूजुअल दोस्तों हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जो हमारी टॉप के अंदर है दोस्तों वो 101 से 110 वाली रैंक के ऊपर है, जो कि IIT बॉम्बे है दोस्तों। IIT दिल्ली 131 से 40 के बीच में, मद्रास 51 से 60, 201 से 50 के बीच में खड़गपुर है, कानपुर 250 से 300, और रुड़की को 500 के रैंक है जो कि दी गई है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज भी है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, जिंदल है, बिट्स पिलानी है, ये सारे के सारे भी है। ठीक है, चलिए, और तो खैर खास इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2022 की रैंकिंग है ये। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि ARAI ने डेवलप किया है चार्जर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो दोस्तों ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसने डेवलप किया है इंडिजीनियस चार्जर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ओके गाइस,
और इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम पुश होगा। देखो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो बहुत सारी कंपनी बनाने लग गई, मारुति ने भी बोल दिया 2030 के बाद में वो पेट्रोल वाली गाड़ियां भी बंद कर देगी बनाना, समझ गए, बहुत सारी डीजल तो बंद कर ही दिया आपको मालूम है। तो आप दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो गई अगर देश में इस चीजों को इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है। तो एक तो चार्जिंग स्टेशन, जिस दिन स्टेशन बनना चालू हो गए उस दिन देश की तकदीर बदल जाएगी, ठीक है गाइस, एक तो स्टेशन हो गया और दूसरा जो है वो है चार्जर्स। गाड़ियां तो देखो आ जाएगी, गाड़ियां तो बहुत सारी आ रखी है, अभी महिंद्रा की भी आ रखी है, बहुत सारी आ रखी है, लेकिन ये दो चीजों के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ और ये अगर आम जगह पे अवेलेबल होना चालू हो गए, जैसे कि आज आपके पेट्रोल डीजल होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, तो बस समझ लीजिएगा उस दिन जो है पूरी तरीके से ट्रांजेक्शन हो जाएगा, है ना, लोग जो है वो पेट्रोल गाड़ी लेना बंद कर देंगे। फिर कुछ लोग बोलेंगे देखा मोदी जी ने इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे ताकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आ जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे भी कई सारे तर्क है जो कि दिए जाएंगे और आप लोग बहुत सारे लोग मानेंगे इस बात को, ठीक है, इसका क्रेडिट भी जो है वो फोटो को चले जाएगा। चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो मार्केट शेयर सेट टू ग्रो, तो आप देख सकते हैं 2000 ग्लोबल शेयर जो था इलेक्ट्रिक व्हीकल का मात्र 2% था 2016 के अंदर, 20 तक 6% पहुंच गया, 13% 25 तक और 30 तक दोस्तों 22% है जो कि पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाएगा, है ना। फंडिंग की बात करें तो फंडिंग में दोस्तों काफी तेजी से जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं कई सारी कंपनियों को फंडिंग है जो कि इसके अंदर बढ़ रही है। चलिए आगे बात करते हैं और इसके बारे में तो खैर और तो कुछ खास इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चार्जिंग पॉइंट जो सेटअप करे जाएंगे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा किए जाएंगे, ओके, इसके अंदर टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके के होंगे और इसके जो चार्जिंग के जो प्राइसेस है ना वो भी काफी कॉस्ट इफेक्टिव बताए जा रहे हैं, हालांकि खैर काफी ज्यादा होंगे, हजारों के अंदर चार्जिंग पॉइंट है जो चार्जिंग है, आपके चार्जेस है जो कि इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है 3 से 4 साल के अंदर यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। ARAI जो है करंटली नेगोशिएट कर रहा है तेलंगाना और केरला गवर्नमेंट के साथ में ऐसे सेंटर को सेटअप करने को लेकर। आप देख सकते हो दोस्तों इनकी जो कॉस्ट है चार्जिंग की वो बहुत ज्यादा है, 50,000 से 60,000 रुपए के आसपास इनके चार्जिंग की चार्जर की कीमत है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव मेरे ख्याल से थोड़े से कम है, इसको कुछ हजार के अंदर होना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी क्या टेक्नोलॉजी आई है, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, इसकी वजह से जो है इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम जब कंपनीज बढ़ेगी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जब होता है ना तभी चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। तो जब प्राइवेट कंपनी ओला मारुति वारुति जब ये प्लेयर्स आ जाएंगे ना और भी बहुत सारी कंपनियां होंडा, तब ये लोग ही जो है चीजों को इम्प्रोवाइज कर पाएंगे ज्यादा। लेकिन ज्यादा हमारे पास में एक ऑप्शन बहुत अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट इसके अंदर काम करेगी तो गवर्नमेंट अपना एक अच्छा बिजनेस बना सकती है और उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है और उससे फिर क्या हो सकता है कि हमारे देश के डेवलपमेंट में काम आ सकता है, ओके। गवर्नमेंट का हमेशा पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर में या उसमें कॉम्पिटिटिव होना बहुत जरूरी है, जब तक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव नहीं होगी तब तक आम जनता को गरीब लोगों को फायदा नहीं मिलता। चलिए ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि ग्लोबल कंपनीज टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम शिप्स बाय 2050। तो ग्लोबल दोस्तों कंपनी जो दुनिया की 150 लीडिंग कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑयल और मेजर और पोर्ट अथॉरिटीज है, उन्होंने सितंबर 22 को दोस्तों एक डील करी और जिसमें बोला डीकार्बोनाइज किया जाएगा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को 2050 तक। आपको मालूम है जब शिप निकलता है दोस्तों तो बहुत सारा धुआं करके चलता है, समझ गए, 90% दुनिया का जो भी सामान जाता है ना ट्रेड होता है वो समुद्र के रास्ते से होता है। तो सोचिए कितने शिप चलते होंगे, कितना धुआं निकलता होगा, कितना फ्यूल यूज में आता होगा, समझ गए मेरी बात। और वर्ल्ड के CO2 इमिशन के अंदर बात करें तो शिपिंग अकाउंट फॉर 3% ऑफ द वर्ल्ड CO2 इमिशन, 90% वर्ल्ड का ट्रेड हो रहा है, ग्लोबल शिपिंग 3% है वर्ल्ड के CO2 इमिशन का, ठीक है। और धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, देखो क्या होता है कि 3% आपको सुन के कम लग रहा होगा, CO2 इमिशन का 3% ही तो है, लेकिन गाइस 3% जो है वो मरीन एनिमल्स के लिए बहुत ज्यादा है, मरीन लाइफ के लिए जो है ये बहुत ज्यादा है जो कि होता है, ओके। चलिए तो आप देख सकते हैं वेरी लार्ज कंटेनर जो है वो कितना ज्यादा इमिशन है जो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेट है जो कि होता है, ठीक है गाइस। तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने दोस्तों टारगेट किया कि 50% तो कम करेंगे, ओके, 2008 की कंपेयर के हिसाब से 2050 तक, है ना। ऑल राइट, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस लॉन्च। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर अफेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए। एक्चुअली के अंदर क्या है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में क्या है, एक विंडो बनाया गया है जहां पे कोई भी विदेशी आदमी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, उसको पूरी हेल्प जो कि सरकार के द्वारा दी जाएगी, जैसे कि उसको रजिस्टर करना, ठीक है, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की फोटो है आपको नजर आ रही होगी,
ये काम जो है वो तो वैसे इन भाई साहब का है लेकिन इनकी फोटो कहीं नजर नहीं है। तो सिंगल विंडो सिस्टम है और आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को हर कंपनी के बारे में बताया जाएगा, केवाईसी के लिए होगा, कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, आपका डैशबोर्ड होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कितना पैसा लगाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी जानकारी है जो कि इसके अंदर दी जाएगी। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, मैंने आपको शॉर्ट के अंदर बता दिया, बजट में भी इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया गया था। ओके, आगे बात करते हैं COP26 इंडिया पुशेस फॉर ग्रीन टेक ट्रांसफर। तो COP26 की दोस्तों ग्लासगो के अंदर अभी मीटिंग होने वाली है और हमने दोस्तों यहाँ पे बात रखने वाले हम लोग कि भैया पैसे का क्या हुआ जो डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग को देने वाले थे, पैसा का क्या हुआ भाई, पैसा तो दो, ग्रीन ग्रीन तो कर रहे हो आप लोग, बोल रहे हो कि क्लाइमेट चेंज करो, ये करो वो करो, लेकिन जो आपने बोला था, वादा किया था कि हम आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा देंगे, उसका क्या हुआ? तो हम यहाँ पे ट्रांसफर एंड फाइनेंसिंग ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी बाय डेवलप कंट्रीज। ओके गाइस, तो पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों के बारे में बातचीत है जो कि यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। ओके, 2009 के अंदर वादा किया गया था $100 बिलियन का। ठीक है गाइस, डेवलप कंट्री शुड फुलफिल देयर प्रॉमिस ऑफ $100 बिलियन एड है जो कि देने के लिए बोला गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं UNFCCC की। तो इसको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है ना, क्लाइमेट सिस्टम में ह्यूमन का इंटरफेरेंस को कम करने के लिए इसको लाया गया, 154 कंट्रीज ने इसको साइन है जो कि किया था। अर्थ समिट 1992 बॉन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ओके गाइज, आगे बात करते हैं, सेंटर ने अलाउ कर दिया IAS IPS ऑफिसर को कि वो गिफ्ट है जो कि फॉरेन डिग्निटरीज से ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप विदेश में जा रहे हो IAS IPS या फिर IFS ऑफिसर हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में हो, तो आप अगर किसी भी बिजनेस के माध्यम से किसी कंट्री के काम से अगर मिल रहे हो किसी से, तो आप अगले वाले आदमी से गिफ्ट नहीं लोगे, लेओगे तो सरकार को गिफ्ट है जो कि आपको देना पड़ेगा। अभी सरकार ने जो है वो अलाउ कर दिया है, ले लो गिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा क्या लोड है, यहाँ पे साफ जो है यहाँ पे अलाउ कर दिया गया। पहले ऐसा था कि आप अपने जो रिलेटिव है, घर परिवार के लोग हैं, विदेश में जा रहे हो, उनसे आप ले सकते हो जिनका आपके डे टू डे अफेयर के अंदर कोई लेना देना नहीं है ना, काम के अंदर। तो 50 साल पुराना रूल था ये। ओके, जिसके अंदर ऑफिसर को अलाउ नहीं था गिफ्ट लेना, उनके नियर रिलेटिव जो है पर्सनल फ्रेंड उनसे ले सकते हो, लेकिन किसी का भी कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी ऑफिशियल डीलिंग नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप गिफ्ट ले रहे हो 25,000 से ज्यादा का, उसका रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को करना जरूरी है, चाहे और गिफ्ट जैसे कि फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री बोर्डिंग है, कोई भी सर्विस अगर आप ले रहे हो तो आप नियर रिलेटिव से ले हो, लेकिन उनका कोई भी आपके ऑफिस से संबंधित कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो खाने से लेकर कुछ भी, सरकार दे रही है तो लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 के अंदर ये बात बोली गई थी। ठीक है गाइस, और गवर्नमेंट ने सेंक्शन लगा रखा था 5,000 ऊपर से कोई भी गिफ्ट है जो कि आप नहीं लोगे। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी रिसेंटली इसके अंदर चेंजेस है जो कि कर दिए गए हैं, और सेक्शन 11 है एक्चुअली के अंदर ये, उसके अंदर अलाउ कर दिया गया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द साइन लैंग्वेज 2021 ये मनाया जा रहा है 30 सितंबर को। दोस्तों साइन लैंग्वेज के माध्यम से आपको मालूम है दोस्तों, जो लोग बोल नहीं पाते वो समझाते हैं अपनी बातों को। ओके, और दुनिया के अंदर दोस्तों ट्रैवलिंग में, सोशलाइज करने में, मीटिंग्स में, बहुत जगह पे काम में लिया जाता है। दुनिया में 7 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते हैं, और 80% जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखने को मिलते हैं, 80% डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो साइन लैंग्वेज यूज करी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। आपको मालूम है हमारे भी यहाँ पे डीडी आता है ना, डीडी न्यूज आता था, तो उसके अंदर भी एक साइन लैंग्वेज का अलग से चैनल है जो कि आता था, जहाँ पे न्यूज आपको बताई जाती थी, यूनिक सिंबल के माध्यम से तैयारी करवाई बताया इसके अंदर जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले 2018 के अंदर इसको मनाया गया, 1951 के अंदर वर्ल्ड डेफ डे भी जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट जो कि करा गया था। ठीक है, चलिए, ओके, इस बार की थीम रखी गई है वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, ये थीम है जो कि इस बार रखी गई है। ठीक है, और इंडियन साइन लैंग्वेज जो है उसको 2001 से स्टार्ट किया गया, हालांकि हमारे यहाँ पे दोस्तों साइन लैंग्वेज हजारों सालों से पहले से भी जो है इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि हमारे यहाँ पे हुआ करती थी, लेकिन 700 इंडियन स्कूल में इसको पढ़ाई जाती है, यूनिक ग्रामर, जेस्चर, ये सब है जो कि इसके अंदर बताए जाते हैं। ठीक है, 2001 से यहाँ पे शिवाजी पांडा जी उनके द्वारा ये क्रिएट है जो कि करी गई थी। ठीक है गाइस, हमने एक यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी बना रखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, 2011 के अंदर हमने बनाया था। ओके, उनके द्वारा इसके ऊपर काम किया जाता है। आज के इतिहास की बात करें, 1803 के अंदर बैटल ऑफ एसआईए जो कि हुई थी ब्रिटिश और इंडियन फोर्सेस के बीच में, मराठा के बीच में, तो एंग्लो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है जो कि इसको कहते हैं एक्चुअली में। ओके, 1965 के अंदर आर कश्मीर वैली को सिक्योर कर लिया गया था। ओके गाइज, और 1992 के अंदर इंडिया ने साइन किया पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट डिजाइन किया लक्ष्य। ओके, 48 के अंदर होंडा मोटर कंपनी की शुरुआत हुई होंडा के द्वारा। 1869 में ब्लैक फ्राइडे जो है वो यूएस के अंदर मनाया गया। ठीक है गाइस, चलिए, और
ठीक है, वोकैबुलरीज की बात करें तो पहला है सेल्फ प्रोपेलिंग। सेल्फ प्रोपेलिंग का मतलब है अपने आप से कोई चीज चलती है तो उसको हम लोग सेल्फ प्रोपेलिंग है जो कि कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद का एसेंचुएट का मतलब होता है किसी भी चीज को इजियर करवाना, आसानी से काम करना, ठीक है, एम्फेसिस करना उसको कहते हैं। और पिक्यूलियर का मतलब होता है जो बहुत ही अजीब होती है ना, स्ट्रेंज चीज होती है उसको कहते हैं। और डिलीटीरियस यानी कि कोई भी चीज जो बोलते हैं हानिकारक होती है, डिलीट करने से कई चीजें डिलीटीरियस हो जाती है यानी कि खराब हो जाती है, हानिकारक। बाउट्स का मतलब है कोई स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि बॉक्सिंग बाउट होती है। उसी प्रकार से विरुलेंट का मतलब है जो एक्सट्रीमली डेंजरस, वीरू की बैटिंग बहुत ही ज्यादा विरुलेंट थी यानी कि बहुत ही डेंजरस थी। ओके, फन फैक्ट की बात करें गाइस, तो आपके लिए एक छोटा सा फन फैक्ट, अगर आप 5 से 10 गाने एक दिन के अंदर सुनते हो तो यकीन मानिए आपकी मेमोरी के अंदर भी इंप्रूवमेंट होता है, इम्यून सिस्टम में, और आपका डिप्रेशन भी कम होता है 80% तक। ओके, तो म्यूजिक को हमेशा गले से लगा के रखा करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी चीज़ आपके साथ रहे ना रहे, किताबें और म्यूजिक ये हमेशा आपके साथ में रहता है। ठीक है गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन भविष्य के अंदर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी लगाव जरूर रखेंगे। मेरा ही मानना है कि आप तो चलो अभी तो आप बहुत ज़्यादा बिजी हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जब भी आपकी जॉब लग जाए उसके बाद जो भी आपको पसंद हो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीख लेना। अगर आपने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख लिया तो यकीन मानिए आपकी लाइफ के अंदर जो पीस का जो लेवल होगा ना वो अलग ही लेवल के ऊपर होगा। ओके, बहुत शांति है जो कि आपको मिलती है। ठीक है, आज सुबह 10 बजे क्लास है स्पेशल की, ज्वाइन कर सकते हो, और शाम में 4 बजे भी क्लास है स्पेशल, दोनों क्लास से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर अनअकैडमी के ऊपर दोस्तों SSC की प्राइसेस 15% कम हो गई है, आज लास्ट डे है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से आपको ये 15% ऑफ नहीं मिलेगा, 15% नहीं है, 15% तो प्राइसेस डाउन है, उसके बाद में 10% एक्स्ट्रा ऑफ है। ओके, रेफरल कोड BHU10 काम में लेने पर, तो ज्वाइन कर लेना। SSC में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के सारे टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, GK के भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको बैंकिंग, UPSC, PCS, डिफेंस, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, आप ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, गोल सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आपका जो भी गोल है, UPSC है, SSC है, IIT है, उसके बाद प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पे, और आपको यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, और EMI के माध्यम से आप इसका पेमेंट है जो कि कर सकते हैं। ओके, फाउंडेशन बैच अभी चल ही रहा है मेरा, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है, आप अपने फैमिली के अंदर एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा। मुझे मालूम है आप पे नहीं कर सकते, लेकिन आपके दोस्त होंगे, आप उनको रिकमेंड तो कर सकते हैं, इतना करिए, ये भी आपके रिकमेंडेशन से किसी बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, और हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के माध्यम से वो स्कूल जाना जो है वो चालू कर देगा। ठीक है, आज का पहला सवाल देखते हैं। शंघाई कॉरपोरेशन फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर दोस्तों SCO का कौन सा कंट्री है जो कि रिसेंटली बना है? ऑनलाइन गेमिंग को कौन से स्टेट ने बैन किया है? साइन लैंग्वेज डे दोस्तों किस तारीख को आता है? वर्ल्ड का मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट दोस्तों WHO के हिसाब से कौन सा बन गया है? वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर 2050 तक कौन सा कंट्री है जो कि बन जाएगा? तो ये है दोस्तों आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।